कोरोना महामारी के संकट से उत्पन्न हुए हालात पर काबू पाने के लिए हर कोई मदद के लिए आगे आ रहा है, मगर घोड़ाडोंगरी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कांग्रेस विधायक ब्रह्मा भलावी लोगों की मदद करने में अपनी निधि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बताया जाता है कि विधायक ब्रह्मा भलावी द्वारा फरवरी के पहले ही अपनी संपूर्ण निधि निर्माण कार्य पर खर्च कर दी गई एवं अब विधायक निधि आने में समय लगेगा। अब संकट की घड़ी में विधायक ने अपनी क्षेत्र की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अभी तो पिछले बारी मैंने विधायक निधि और भी जो निधि था फंड वो सब क्षेत्र में निर्माण कार्य के लिए दे दिया हूँ। तो फिर किस तरह से अब पूछना पड़ेगा, आप क्या बोलते हैं, यदि अभी और मार्च अकाउंट अप्रैल में यदि राशि आया होगा तो अब मैं दूंगा। मतलब अभी आपके माध्यम से किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है? नहीं, अब क्या जैसे विधायक निधि वगैरह आना है, आ भी गया होगा, कलेक्टर साहब से चर्चा करके और फिर मेरे विधानसभा में सहयोग करूंगा निधि का भी। और भी कई समस्याएं हैं, उसमें हम एक्टिव होके हर क्षेत्र में छोटी छोटी समस्या और जो भी जनप्रतिनिधियों के कोई समस्या बताते हैं क्षेत्र के आम जनता, अधिकारी को फोन नहीं करेंगे, जो भी समस्या रहेगा चाहे वो पूर्व विधायक हो या मंत्री हो या जनपद सदस्य हो या सरपंच, जैसे भंडार पानी एक शेखलाल नाम का आदिवासी है, उसने मुझे कॉल किया कि हमारे यहाँ करीबन 10-12 लोग सिर दर्द खांसी से लोग बाग त्रस्त है और खाने पीने का भी नहीं है, बोले हमारे पास। तो मैं सारणी SDOP हमारे माननीय चौधरी साहब को कॉल किया, उनने थाना प्रभारी चोपना को कॉल करके और वहाँ पे उनने टीम भिजवाए और 1 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल गेहूँ और मीठा तेल वगैरह ये व्यवस्था किए, क्योंकि भंडार पानी में आवागमन का साधन भी नहीं है, पैदल ले गए। मगर ये सामग्री पर्याप्त नहीं है, इतना सामान काफ़ी मात्रा में वहाँ लोग रहते हैं तो कम पड़ता है, और व्यवस्था की जाएगी? हाँ, और व्यवस्था किया जाएगा, क्योंकि अभी हर पंचायत में 30-30 हज़ार रुपये जिला पंचायत से डलवा दिए हैं, ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव ये भी व्यवस्था करेंगे, जो गरीब लोग हैं जो मजदूरी पे ही निराश्रित है ऐसे परिवार को सहयोग देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।